नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइंड स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम है निखिल गढ़ियोग और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माइंड स्मेल को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, जहां हम एक नई खुशबू बनाएंगे आप ही के पास पड़े हुए फ्रेग्रेंस ऑयल से। ये रिक्वेस्ट काफी टाइम से मेरे पास आ चुकी थी, बट परफ्यूम मेकिंग कोर्स चल रहा था इसलिए मैं वहां बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके पीछे एक और रीजन भी है, लोगों ने जैसा कि मुझे बोला, हमारे जो यूट्यूब के दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि हम अरोमा केमिकल्स हमें मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल है उन्हें मिल पाना जो अरोमा केमिकल से कंपाउंडिंग बनती है, और कईयों को मिलते हैं तो मिनिमम 100 ml उनको लेने पड़ते हैं। तो मैं भी ये बात समझता हूं, ये पेन मैं भी समझता हूं, बिकॉज अगर आप बिगनर हैं या आप सिर्फ हॉबी रखते हैं इस चीज की, तो आपके लिए 100 ml लेना और उसे कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिक्सेटिव के तौर पे या डिफ्यूजिव मेटेरियल के तौर पे एक प्रोडक्ट है हेडियन, अगर मान लीजिए वो आप 100 ml ले लेते हैं, तो 100 ml की एक परफ्यूम बॉटल के अंदर 30 ml अगर आप ऑयल डालते हैं, तो उसमें सिर्फ 1 ml हेडियन जाता है, और कई बार तो उससे भी कम हो जाता है। तो अगर आप 1 ml भी डाल रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपको 100 ml की 100 bottles बनानी पड़ेंगी उसको कंज्यूम करने के लिए। उससे पहले ही वो खराब हो जाता है और वो अपनी खुशबू खो देगा, उसकी खुशबू खराब हो जाएगी और आपको फेंकना पड़ेगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप 25 ml या 30 ml ऑनलाइन परचेज करें, ठीक है, या अपने जो लोकल वेंडर हैं उनसे बात करें, वो आपको क्या पता दे दें, तो वो आपके लिए बेटर रहता है। कोई मेजरिंग स्केल नहीं लेंगे, बीकर्स लेंगे दो, इस पे परफ्यूम बनाएंगे, ठीक है। ये भी लोगों ने मुझसे बोला था कि बीकर से बनाने से, क्योंकि हमारे पास विंग स्केल्स नहीं है। वैसे तो ये परफ्यूमरी में नहीं आता, ये सब मिक्सिंग होती है, बट ये आर्ट भी लोगों को पता होना चाहिए कैसे करना है। तो आज के हमारे जो फेमस फ्रेग्रेंस ऑयल्स हम जो ले रहे हैं, बहुत कॉमन ले रहे हैं, सबसे पहला है कूल वाटर, दूसरा हमने लिया टबैको वेनिला, और तीसरा लेने बीडीसी मतलब ब्लू दी शिनेल। ये तीन हम ले रहे हैं फ्रेग्रेंस ऑयल, और इससे हम तीन नई खुशबुएं बनाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ बहुत ही बेसिक फिक्सेटिव चाहिए होंगे, कोई फैंटेसी नोट्स या फैंटेसी फिक्सेटिव हम नहीं लेंगे, हम एक फिक्सेटिव बूस्टर भी बनाएंगे। बिकॉज मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस तरह के, जहां पे मिक्सिंग करके आपको सिखाया जाता है, बट क्या होता है एट द एंड वो अपना कोई एक खानदानी नुस्खा उसके अंदर डाल देते हैं कि ये हमारा बूस्टर है, ये हमने इतना डाल दिया, तो वो सारा देखने का फायदा ही नहीं, क्योंकि उस बूस्टर की जो फॉर्मुलेशन है वो आपको वो बताएंगे नहीं, तो आपके लिए किसी काम का है नहीं। बट आज हम यहाँ पे फिक्सेटिव बूस्टर भी बनाएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए होगा आईओसी सुपर, गैलेक्सोलाइट, हेडियन, पॉलीसेंटोन एंड हेलियोनॉन, ये 5 चीजें हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना, पहले सबसे पहले हम फिक्सेटिव बूस्टर बनाते हैं। हमने ले लिया एक बीकर, ये 25 ml का है, 5 ml का भी आता है, 10 ml का भी आता है, ऑनलाइन सर्च कीजिए, सस्ती आइटम है, मेरे ख्याल से 100 rupees में, मेरे को तो मैंने तो 10 rupees में लिया था अपने यहाँ से, लोकल मार्केट से मिल जाता है, या कोई साइंस प्रोजेक्ट की शॉप हो वहां से मिल जाते हैं, ये आपके वहां पे भी हो तो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह के बीकर भी मिल जाते हैं। ये बीकर 40 rupees के करीब था, ये 100 rupees का, ऐसे ही थे, बहुत सस्ती चीजें हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आईओसी सुपर, हम लेंगे आईओसी सुपर 1 ml, ये हम बना रहे फिक्सेटिव बूस्टर। इसमें बहुत इजी रहता है, बिगिनिंग में जब मैं कम कम बनाता था चीजें तो मैं यही यूज करता था। ये ले लिया हमने 1 ml आईओसी सुपर, उसके बाद हम लेंगे गैलेक्सोलाइट, गैलेक्सोलाइट हम लेंगे 2 ml। जब आपने ऑयल लिया होगा तो ऑयल देने वाले ने बोला होगा कि गैलेक्सोलाइट मिलाओ और 7 दिन के लिए रख दो और आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं है ना, मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही हुआ था। ये हम ले लिए 2 ml, उसके बाद हम लेंगे हेडियन, हेडियन हम लेंगे 1/2 ml,
डिफ्यूजन के लिए बहुत अच्छी चीज है, कम जाती है बट बहुत अच्छा डिफ्यूजन दे देती है ये आपके परफ्यूम में। ये हो गया हाफ एम एल हेडियन। इसके बाद हम लेते हैं पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल जो है सैंडलवुड को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा कॉस्टली आइटम है बट डलती कम है, सिर्फ हाफ एम एल जाती है, हाफ एम एल ठीक है, हाफ एम एल जाएगी अपना काम पूरा कर जाएगी ठीक है, हाफ एम एल। और फिर हम लास्ट में लेते हैं आपका हिलियोनॉल। हिलियोनॉल जो होता है एक्वेटिक टाइप की जितनी भी खुशबू होती है उनका बूस्टर या फिक्सेटिव कुछ भी कह लीजिए आप, हाफ एम एल हम ये ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया लगभग हमारा 4.5 ml। ठीक है, अब आपको इस तरह की बॉटल्स चाहिए होंगी, इस तरह की ले लीजिए या कांच की कोई भी बॉटल ले लीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ कांच या एल्यूमिनियम की, अगर ये वो नहीं है तो आप इस तरह की भी ले सकते हैं, बट मैं प्लास्टिक की बॉटल जब आप कंपाउंडिंग कर रहे हो या मिक्सिंग कर रहे हो तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता, बिकॉज उसका रीजन होता है कि आप तीन ये परफ्यूम फ्रेग्रेंस ऑयल्स मिलाएंगे और कुछ आप ये अरोमा केमिकल्स मिला रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब इसके अंदर आप स्टोरेज करेंगे तो जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, अगर आप इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल लेंगे तो हो सकता है ये अपना कुछ पार्ट उसके अंदर छोड़े, मतलब अपनी खुशबू उसके अंदर छोड़े और आपका मटेरियल खराब भी हो सकता है और उसकी स्मेल भी खराब हो सकती है, बदल भी सकती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ ग्लास की बॉटल या एल्युमिनियम की बॉटल। ग्लास की बॉटल ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है ठीक है। ये 4.5 ml जो हमने बनाया है फिक्सेटिव बूस्टर, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम साइड में रख देंगे ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना एक नई खुशबू ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह की कांच की बॉटल लेनी है, कुछ रखना है और 7 ml। आप जब भी कोई भी परफ्यूम बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह की कॉन्सेंट्रेशन में बनाते हैं, किसी किसी में 15 ml आप ऑयल डालते हैं तो वो काफी हो जाता है क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है और आपको एक बहुत अच्छा परफ्यूम बन जाता है। कहीं कहीं आपको 40% भी डालना पड़ सकता है, जैसे कि क्रीड एवेंटस है उसका अगर आप ऑयल लेंगे मार्केट से तो वो लाइट होते हैं, बहुत कूल वाटर हो गया, एक्वाडी जी हो गए, लाइट होते हैं, तो ये आपको हो सकता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम के लिए आपको 40% तक डालना पड़े ठीक है। तो सबकी एक जैसी क्वांटिटी नहीं जाती, सबकी अलग अलग क्वांटिटी जाती है। तो मान लीजिए आपने परफ्यूम बनाना है, हम 30-70 के रेशियो में बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अल्कोहल लेना है, इथाइल अल्कोहल, और 7 ml इथाइल अल्कोहल लेना है। 7 ml इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं हम, 7 ml इथाइल अल्कोहल लेके इस शीशी में हमने इसको डाल दिया ठीक है, और इसको हमने साइड में रख दिया, इस पर हमने थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया, ये उड़ ना जाए अल्कोहल ठीक है। अब हमने ये ले लिया, उसके बाद हम सबसे पहले ले रहे हैं कूल वाटर। कूल वाटर हम कितना लेंगे, कूल वाटर हम लेंगे 1.5 ml, ये आ गया 1.5 ml कूल वाटर ठीक है। इसको हम कर देंगे बंद, इसको रख देंगे साइड में, और इस अल्कोहल में हम इसको सॉरी इसमें हम इसको डाल देंगे, डाल के हम इसका करेंगे ढक्कन बंद और थोड़ा सा हम इसको शेक कर लेंगे, फिर इसको हम रख देंगे साइड में। उसके बाद हम उठाएंगे अपना दूसरा ब्लूदी शिनैल। ब्लूदी शिनैल हम डालेंगे 1/2 ml। ब्लूदी शिनैल हम डाल रहे हैं सिर्फ 1/2 ml। ठीक है, इसको हम कर देते हैं पहले बंद, इसको हमने किया साइड में, ये हमने लिया अपना अल्कोहल, इसके अंदर हमने डाल दिया 1/2 ml ब्लूदी शिनेल ठीक है, इसको भी हमने साइड में कर दिया। उसके बाद हम ले रहे हैं टबैको वेनिला। टबैको वेनिला हम कितना ले रहे हैं, वो भी हम लेंगे 1/2 ml ठीक है। टबैको वेनिला हमने ले लिया 1/2 ml, ये हमने ले लिया 1/2 ml। इसमें मेजरिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये, आप भी अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं या आप बीच में मिडल में भी हैं तो ये आप ले लीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहता है। इसको हमने ले लिया इसमें, इसका हमने किया थोड़ा सा ढक्कन बंद और इसको हमने थोड़ा सा हिला लिया। अब हमने जो
फिसेपी बूस्टर बनाया था, अब उसकी बारी है, हम वो भी लेंगे हाफ एम एल। ये ले लिया हमने फिक्सेटिव बूस्टर हाफ एम एल, इसको हमने दिया खोल, इसके अंदर हमने डाल दिया इसको हाफ एम एल फिक्सेटिव बूस्टर को, ठीक है। इसको भी हमने कर दिया बंद, बंद करके पूरा टाइट करके इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, 2-4 मिनट हिला लीजिए इसको। और इसके ऊपर फिर आप इस तरह के जो लेबल्स होते हैं, ये लेबल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये उतार के इस पर लगाइए पेन से, कुछ भी लिख दीजिए, एक नंबर लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, इस तरह से करके 40 डेज के लिए आपने इसको स्टोर कर देना है, इसके साथ देखना भी नहीं है, ठीक है। जब आप एक नंबर लिखेंगे उसके नीचे डेट लिख दीजिए, खोलना नहीं है इसको 40 डेज तक, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 40 डेज के बाद जब आप खोलेंगे तो आपको एक अलग ही खुशबू मिलेगी, ठीक है। अब हम दूसरे की तरफ आ जाते हैं, अब हम दूसरी खुशबू बनाते हैं। ये लिया हमने 7 ml एल्कोहल, या ठीक है 7 ml लेते हैं, लास्ट वाले में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये हमने ले लिया 7 ml इथाइल एल्कोहल, और ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर, इसको लिख दिया हमने साइड में, ठीक है। फिर से हमने ले लिया कूल वाटर, इस बार हम जो है कूल वाटर थोड़ा सा हमने उसमें 1.5 ml लिया था, यहां हम 1 ml ले लेते हैं, ठीक है। 1 ml हमारा ये हो गया, 1 ml हमने ले लिया कूल वाटर, ये उठाया इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं बीडीएस, बीडीएस मतलब ब्लू दी शिनेल, ब्लू दी शिनेल हम ले लेते हैं 1/2 ml ही लेते हैं, ठीक है। 1/2 ml हमने ले लिया ब्लू दी शिनेल, तो इसको हमने डाल दिया इसके अंदर, इसको भी हमने कर दिया बंद। इसके बाद हम ले लिया टबैको वेनिला, इस बार हम टबैको वेनिला थोड़ी से ज्यादा लेंगे, 7.5 ml, ठीक है। हम ले लेते 7.5 ml टबैको वेनिला फ्रेग्रेंस ऑयल, इसको हमने किया बंद और इसको खोला, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया 7.5 ml, ठीक है। इसको बंद करा, और इस बार फिक्सेटिव जो हमने बनाया था वो भी हम लेंगे 7.5 ml, 7.5 ml, ठीक है। और इसको खोला, इसके अंदर हमने डाल दिया इसको, इसको हमने बंद किया, 2 मिनट 5 मिनट जितना आप चाहते हैं इसको हिला लीजिए ऐसे करके, और इसको टाइट करके इसको लेबल नंबर 2 आज की तारीख साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं अपना वेरिएंट 3। इस बार हम जो है कूल वाटर सिर्फ 1/2 ml लेंगे, ये तीसरा हमारे पास आ गया। पहले हम डालेंगे एल्कोहल, ये बेसिक है, पहले आपको एल्कोहल डालना है, एल्कोहल में आपने ऑयल मिलाना है, ऑयल में एल्कोहल को नहीं मिलाना कभी भी, ठीक है। ये हमने ले लिया 7 ml अपना इथाइल एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में हमेशा ऑयल फिक्सेटिव मिलाने हैं, फिक्सेटिव में कभी भी एल्कोहल नहीं मिलाना, ये बहुत बेसिक चीज होती है, बहुत कम लोग यूट्यूब पे आपको बताएंगे, मैंने भी ये चीज सीखी है। तो 1/2 ml हम ले रहे हैं कूल वाटर, 1/2 ml हमने लिया कूल वाटर, इसको कर दिया बंद, इसको कर दिया हमने साइड में, ये उठाया इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है। इसको हमने किया साइड में, उसके बाद हमने लिया ब्लू दी शिनेल, ब्लू दी शिनेल हम इस बार 1 ml ले लेते हैं, 1 ml ले लिया हमने ब्लू दी शिनेल, ठीक है। 1 ml हमने ब्लू दी शिनेल ले लिया, इसको भी हमने रख दिया साइड में, ठीक है। इसके बाद हम टबैको वेनिला हम 1/2 ml ले लेते हैं, 1/2 ml हम ले लेंगे टबैको वेनिला, और ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी वही 3 ml के करीब बना रही है, लेकिन हम इस चीज में देखेंगे कि जब ये बन के तैयार होंगे तो तीनों की खुशबू अलग होगी, आप खुद देखेंगे ये चीज। ये हमने ले लिया 1/2 ml, और 7.5 ml हम लेंगे अपना बूस्टर,
7.5 ml हमने ले लिया अपना बूस्टर। तो ये तीन अलग अलग तरीके के हमने तीन फ्रेग्रेंस ऑयल से तीन अलग खुशबू हमने बना ली, थोड़ा सा हिला के तीन नंबर डेट डाल के इसको 40 दिन के लिए आपने साइड में कर दिया। तो हमने तीन अलग अलग खुशबू हमने बना दी। इनको हमने 40 डेज जो है रखना है स्टोरेज पीरियड में। 10-10 ml के आपके ये तीन वेरिएंट बन गए। 40 दिन बाद आप इन्हें खोलेंगे, स्प्रे बॉटल में डालेंगे और इसे यूज करेंगे और मुझे ही बताएंगे कैसा बना और खुद भी फील करेंगे कि ये कितना बेहतरीन खुशबू आपके सामने एक नई बन के आ गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं जल्दी आपके पास एक नई वीडियो लेके आता हूँ जहां पे हम एक नई और खुशबू बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।